हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं रेड टेप ड्रिफ्ट प्लस वर्जन 2 का। ये टेक्निकली किसी सीरीज का वर्जन 2 नहीं है। हमने इससे पहले एक और ड्रिफ्ट प्लस शू को रिव्यू किया था। रेड टेप अपने शूज को प्रॉपरली नेम नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, इनके वेबसाइट में इस पर्टिकुलर मॉडल का नाम रेड टेप ETPU एथलीजर शूज फॉर मेन लिखा है। इस शू को हमने स्पेसिफिकली चुना क्योंकि ये डिजाइन वाइज सिंपल है। अपर मिडसोल आउटसोल, कोई अननेसेसरी प्लास्टिक एलिमेंट्स नहीं, तो आइडियली इस बेसिस पे ये हल्का होना चाहिए, राइट? रॉन्ग। इसके बारे में आगे बात करेंगे। डिस्क्लेमर के तौर पे ये बताना चाहेंगे कि शू हमने खुद से परचेज किया है और इस पे 40 किलोमीटर तक के रन कर चुके हैं। शुरू करते इसके स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर जर्नल। रेड टेप ड्रिफ्ट प्लस की एस्टिमेटेड स्टैक हाइट है 33 मिलीमीटर हील पर, 23 मिलीमीटर फोरफुट पर और ड्रॉप है 10 मिलीमीटर। मेन साइज UK 9 में इसका वेट है 307 ग्राम्स और इसकी MRP है 8,399 रुपए। अपर बना है एक्सट्रीमली स्टर्डी इंजीनियर मैश का, जिसमें भर भर के ओवरलेज हैं। मिडसोल में रेड टेप का ड्रिफ्ट प्लस ETPU फोम पाया जाता है और आउटसोल में फुल लेंथ थिक रबर कवरेज दिया गया है। इनसोल थॉटफुली डिजाइन है। अब शुरू करते हैं लाइक से, और पहला लाइक है ओवरऑल बिल्ड। शू एक्सट्रीमली वेल बिल्ड है। ऐसा नहीं है कि इसके अपर में पैडिंग ज्यादा है कंफर्ट देने के लिए। इसका मेश ही एक्सट्रीमली थिक और स्टर्डी है। हील काउंटर प्लास्टिक पीस से रीइंफोर्स किया गया है और फोर फुट में डेंस ओवरलेज है, जो हमें सेफ्टी शूज की याद दिलाता है। दूसरा लाइक है बाउंसी ETPU फोम्स। रेड टेप के परफॉर्मेंस शूज में पाया जाने वाला ड्रिफ्ट प्लस फोम हर शू में अलग फ्लेवर का होता है। ये हमारा तीसरा रेड टेप शू है और तीनों में से इसका फोम हमने सबसे एनर्जेटिक पाया। रनिंग के दौरान इसका रीबाउंड डेफिनेटली नोटिसेबल है, पर ओवरऑल मिडसोल फ्लॉलेस नहीं, जिसके बारे में हम डिसलाइक सेक्शन में बात करेंगे। तीसरा लाइक है इसका प्राइस। रेड टेप शूज की MRP जनरली इंटरनेशनल ब्रांड्स के आसपास दिखती है, पर ये ऑलमोस्ट हमेशा ही 70-80% डिस्काउंट पे दिखते हैं। करंटली 80% ऑफ पे है, यानी 1680 रुपए, जो इसे अफोर्डेबल बनाता है। रेड टेप के शूज MRP पे ना ले। लाइक्स यहाँ खत्म होते हैं, बारी आती है डिसलाइक्स की, जो काफी सारे हैं। पहला है फर्मनेस। ड्रिफ्ट प्लस ETPU फोम्स जनरली हमने फॉर्मर एंड पर देखे हैं और यहाँ भी सिमिलर ट्रेंड फॉलो होता है। फर्स्ट स्टेप से ही इसके हार्डनेस का पता चलता है और रनिंग के दौरान ये अनकंफर्टेबल लगते हैं। एक और फैक्टर है जो इसे हार्श बनाता है, और वो है इसका थिन मिडसोल फोम, जो हमारा दूसरा डिसलाइक है। बाहर से देखने पर इसका मिडसोल स्टैक मॉडरेटली डिसेंट लगता है, पर रियलिटी में आपका पैड्स के नीचे बैठता है। हमें ज्यादा इश्यूज हुए फोर फुट रीजन में, जहां फर्म मिडसोल और लो स्टैक का कॉम्बो रनिंग के दौरान काफी हार्श लगा। हम ये क्लैरिफाई करेंगे कि हम फोर फुट स्ट्राइकर्स हैं, जिस कारण ये इशू एम्पलीफाई हुआ। हील स्ट्राइकर्स को शायद ये प्रॉब्लम ना हो। तीसरा डिसलाइक है इसका वेट। इसका डिजाइन देख के हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये कुछ 280 या 290 ग्राम्स का आएगा, पर वेट आया 307 ग्राम्स। ऑन पेपर 307 ग्राम्स उतना हैवी नहीं है, पर ऑन फीट ये बल्कि कंबरसम और ड्रैग सा लगा। अपर ही सिर्फ ओवरबिल्ट नहीं है, आउटसोल में फुल लेंथ रबर कवरेज है बिना किसी कटआउट के। रबर एक शू का सबसे डेंस मटेरियल होता है। इसका अपर और आउटसोल सिर्फ शू का वेट नहीं बढ़ाते, इसे एक्सट्रीमली स्टिफ भी बनाते हैं, जो है हमारा चौथा डिसलाइक। थिक फुल लेंथ रबर कवरेज हमने बाकी इंडियन शूज में भी देखे हैं, पर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए फ्लेक्स ग्रूव्स दिए जाते हैं, जिसकी शू में सख्त जरूरत है। इन अ वे आप कह सकते हैं कि शू थोड़ा स्नैपी है, पर यह डिजाइन चॉइस इसके राइड को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। रनिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। अब हम इशू के तीन मेजर कंपोनेंट्स को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। शू टेस्ट करते हुए हमें ऐसा लगा कि इसे डिजाइन सिर्फ और सिर्फ ड्यूरेबिलिटी को ध्यान में रख के किया गया है, पर अप्रोच बहुत हैवी हैंडेड है। जहां तक फिट की बात आती है, शू लॉन्ग है और स्टिफनेस के कारण लॉकडाउन भी कुछ खास नहीं। ऑल्दो सरप्राइजिंगली इसमें रनर्स नॉट के लिए होल और पुल टैप देखने को मिलता है। इसे हम देंगे 2 out of 5। जब शू हमारे हाथ में आया था तो मिडसोल छूने से ही पता चल रहा था कि इसमें जान है, लेकिन कम स्टैक होने के कारण फोम का एक्चुअल पोटेंशियल उभर के नहीं आया। इसमें किए हुए रन एंजॉयबल नहीं लगे, और ये एक मेजर रीजन है जो हमें शू को रिकमेंड करने से रोकता है। इसे हम देंगे 5.5 out of 10। आउटसोल के पॉजिटिव्स हैं लॉन्जेविटी और ग्रिप, नेगेटिव है फ्लेक्स ग्रूव्स का ना होना। ये देख के अच्छा लगा कि बाकी इंडियन शूज की तरह इसका आउटसोल रबर इजीली वेयर आउट नहीं हुआ।
इसे हम देंगे 3 out of 5। तो टोटल स्कोर आता है 10.5 out of 20। स्कोर डेफिनेटली अच्छा नहीं है, इसका स्टैंड आउट फीचर है ड्यूरेबिलिटी, पर ये है एक रनिंग शू। अगर ये रनिंग में ही एक्सेल नहीं करता तो ड्यूरेबिलिटी का क्या सिग्निफिकेंस रहा? इसके तीनों एलिमेंट्स अपर मिडसोल और आउटसोल में गैप्स हैं और रेड टेप को इसे एड्रेस और फिक्स करना चाहिए। दो शूज इसके मिडसोल से सिमिलर एक्सपीरियंस देते हैं। पहला है कल्ट फिट वर्सा डिफेंडर। हमने कई बार कहा है कि टीपीयू फोम्स इनहेरेंटली बाउंसी होते हैं। वर्सा डिफेंडर इसका प्राइम एग्जांपल है बजट सेगमेंट में। जो फ्लॉज रेड टेप में है वो कल्ट फिट में देखने को नहीं मिलते, पर इसके हील का बल्ज एक बड़ा नेगेटिव हो सकता है। दूसरा शू एक्शन टर्बो 501, एक और शू जिसका एनर्जी रिटर्न अच्छा है। जितने इंडियन शूज हमने ट्राई किए हैं उनमें से इसका स्टैक शायद सबसे ज्यादा हो, जो इसके एनर्जेटिक मिडसोल के साथ कंबाइन करके इसे एक लॉन्ग डिस्टेंस क्रूजर बनाता है। बिल्ड क्वालिटी भी एक पॉजिटिव होगा, पर लॉकडाउन और लेसेस मेजर इश्यूज हैं। तो ये था हमारा फुल रिव्यू रेड टेप ड्रिफ्ट प्लस शू का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कुछ एफिलिएट लिंक्स दिए हैं अगर आप इन शूज को परचेज करना चाहो तो। रिव्यू पसंद आया या इसे कोई वैल्यू मिला तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं, थैंक यू एंड गुड बाय।